चलो दोस्तों, आप सबको अभी मैं लेके चलता हूँ सोमनाथ मंदिर। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और पुनर्निर्माण किया गया। इसकी संपत्ति लूटी गई और उसे नष्ट कर दी गई। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। दूसरी बार इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में मैत्रिक राजाओं ने किया। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने पुनर्निर्माण करवाया गया। देश के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से ये एक तीर्थ स्थान है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव महापुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और चंद्रदेव का एक नाम सोम है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ, मतलब इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ रखा गया। वर्तमान में जो मंदिर खड़ा है वो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता अहल्याबाई और महाकाली माँ का बेहद सुंदर एवं विशाल मंदिर बनाया हुआ है। इस पवित्र तीर्थ स्थल में गौरीकुंड नामक सरोवर बना हुआ है और सरोवर में आसपास शिवलिंग स्थापित है। लोक मान्यता में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दर्शन करके प्राची के पास अपने देह को छोड़ा था। वेरावड़ से यह सोमनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर की है और ये दूरी हम 15 से 20 मिनट में सोमनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र मतलब के प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें अंदाजित 45 के आसपास मंदिर हैं। यह मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, गर्भगृह, सभा मंडल और नृत्य मंडल। दोस्तों, इस मंदिर की एक बहुत ही खासियत बात है, मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। शिखर पर स्थित कलश का भार वजन उसका वेट 10 टन है, मतलब 10,000 किलो। ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यहाँ पर 3 नदियां बहती है, हिरण, सरस्वती और कपिला का अद्भुत संगम है, जहाँ भक्तजन आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अभी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। जय हिंद। वंदे मातरम।